चलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि कुबरनेटिस का मल्टी नोड क्लस्टर किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में सिंगल नोड क्लस्टर लगाना देखा था वाया मिनी क्यूब टूल। तो आज हम लोग देखेंगे कि मल्टी नोड क्लस्टर किस तरीके से लगाया जाता है वाया क्यूब एडीएम टूल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिंगल नोड क्लस्टर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, मल्टी नोड क्लस्टर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, एक बार आपको दोबारा से रिमेम्बर कराना चाहता हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एज अ डायग्राम के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिंगल नोड क्लस्टर का मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों, सिंगल नोड क्लस्टर का मतलब ये होता है कि आपने एक हार्डवेयर लिया, एक मशीन लिया, ये मशीन फिजिकल भी हो सकती है, ये मशीन वीएमवेयर के ऊपर भी हो सकती है, ये मशीन एडब्ल्यूएस के ऊपर भी हो सकती है, ये मशीन एजोर क्लाउड के ऊपर भी हो सकती है, या फिर ये मशीन एक गूगल क्लाउड के ऊपर भी हो सकती है। आपने क्या किया, क्यूब मिनी क्यूब टूल का इस्तेमाल किया और आपने वो सारे कंपोनेंट इसी नोड में इंस्टॉल कर दिए जो मास्टर नोड बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, जैसे डेटा कंट्रोलर हो गया, एपीआई सर्वर हो गया, शेड्यूलर हो गया विद डेटाबेस। उसके बाद आप कोई पॉड बना रहे हो, पॉड को भी आप इसी नोड के अंदर बना रहे हैं, डिप्लॉयमेंट भी इसी नोड पे कर रहे हैं, मतलब ये नोड एक मास्टर भी है और एक वर्कर भी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल नोड क्लस्टर। अब इसकी जरूरत कहां पे होती है, इसकी जरूरत होती है कंपनी के अंदर डेवलपमेंट और टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे और लर्निंग एनवायरनमेंट पे होती है। लेकिन आप इसके ऊपर कोई भी प्रोडक्शन एप्लीकेशन नहीं चलाएंगे, क्योंकि मान लीजिए नोड तो एक ही है, मशीन तो एक ही है, अगर ये क्रैश हो गया तो पूरा प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपनी में नंबर ऑफ सर्वर्स लेते हैं, जैसे एक सर्वर ये हो गया, 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 ऐसे नंबर ऑफ सर्वर हो गया। अब ये सर्वर एज अ फिजिकल भी हो सकते हैं, ये सर्वर वीएम के ऊपर भी हो सकते हैं, ये सर्वर एडब्ल्यूएस के ऊपर भी हो सकते हैं, ये सर्वर एजोर क्लाउड के ऊपर भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सारे सर्वर्स को हम लोग आपस में कनेक्ट कर लेंगे नेटवर्क के थ्रू। आपस में कनेक्ट का मतलब ये सारे सर्वर आपस में कम्युनिकेट करें, ओएस इंस्टॉल कर लेंगे, फिर उसके बाद इन सारे सर्वर को मिलाकर हम एक क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है, तो इन सारे सर्वर को मिलाकर जो क्लस्टर बनेगा तो हम लोग इसे बोलेंगे क्यूबरनेटिस मल्टी नोड क्लस्टर। क्या बोलेंगे इसे, मल्टी नोड क्लस्टर। तो मल्टी नोड क्लस्टर का क्या फायदा हुआ, मल्टी नोड क्लस्टर का फायदा यह होता है कि आपके क्लस्टर में पांच नोड है, पांच में कल को एक नोड डाउन हो जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार नोड मिलकर संभाल लेंगे। कल को तीन नोड भी डाउन हो जाए तो भी आपका प्रोडक्शन चलता रहेगा, दो नोड आपको संभाल लेंगे। लेकिन सवाल आता है कि मल्टी नोड क्लस्टर बनेगा कैसे। तो मल्टी नोड क्लस्टर बनाने के लिए जो टूल है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब एडीएम। ठीक है, तो क्यूब एडीएम के थ्रू हम लोग मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप करेंगे। हालांकि आप मैनुअल भी कर सकते हैं फाइल मेथड के थ्रू, है ना, कि एक नोड को, एक नोड में आप वो सारे कंपोनेंट्स चला दें जो मास्टर नोड के लिए रिक्वायर्ड होता है, फिर वो सारे कंपोनेंट्स अगले नोड में चला दें जो वर्कर नोड के लिए रिक्वायर्ड होता है, खुद से मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर लें, बोले तो फाइल मेथड के थ्रू, मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, तो उससे भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मल्टी नोड क्लस्टर क्यूब एडीएम के थ्रू किस तरीके से कॉन्फिगर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हम लोग ये जो लैब है ये करेंगे कैसे, क्या हम लोग मार्केट से नंबर ऑफ सर्वर खरीदेंगे, उसे उसकी नेटवर्किंग, फिजिकल नेटवर्किंग करेंगे, क्या उस तरीके से करेंगे। नहीं दोस्तों, इस तरीके से हम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा लैपटॉप है जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है जहां पे मैं काम कर रहा हूं, और मेरे लैपटॉप में विंडोज 10 इंस्टॉल है और विंडोज 10 इंस्टॉल ही रहेगा, मैं इसको नहीं हटाऊंगा। मैं अपने लैपटॉप में वीएमवेयर इंस्टॉल करूंगा और वीएमवेयर के ऊपर मैं वीएम्स बनाऊंगा।
तो इस क्लस्टर की लैप करने के लिए आप कम से कम 2 VM बना लें, और ज्यादा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इस लैब को करने के लिए 2 VM सफिशियंट है। एक को मास्टर बना लीजिएगा, एक को वर्कर, राइट। अगर और लेते हैं तो फर्दर आगे वर्कर ऐड करते जाइए। तो वीएम वेयर के ऊपर मैं 2 VM बनाऊंगा, ठीक है ना। एक वीएम को मैं एज अ मास्टर नोड लेकर चलना है मुझे, और एक वीएम को मैं एज अ वर्कर नोड लेकर चलूंगा। क्या वर्कर नोड, ठीक है। अब सबसे बड़ी सवाल आती है कि क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, जिसको भी आप मास्टर नोड बनाएंगे उसमें कम से कम 2 GB रैम आपको रखना है। कितना रैम रखना है? 2 GB रैम आपको रखना है, और 2 CPU आपको रखना है, ठीक है ना, और 20 GB की हार्ड डिस्क कम से कम होनी चाहिए। और जिसको भी आप वर्कर नोड बनाएंगे उसमें आप 2 GB रैम और 1 CPU भी रखेंगे, चलेगा, राइट। अब CPU की कैपेसिटी ज्यादा तो आप ज्यादा रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे कम से कम 20 GB हार्ड डिस्क रखना है आपको। उसके साथ साथ जिसको भी आप मास्टर नोड बनाने जा रहे हैं, जिसको भी आप वर्कर नोड बनाने जा रहे हैं, उस पर लिनक्स इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। विंडोज सपोर्टेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, लिनक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर मैं लिनक्स यूज कर रहा हूं, CentOS 7। आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं Ubuntu, Debian, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं इस प्रैक्टिकल में यूज करूंगा CentOS 7। तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसे अगली चीज क्या ध्यान रखनी है, आपका मास्टर नोड हो या वर्कर नोड हो, इन नोड में स्वैप ऑफ होना चाहिए। स्वैप मेमोरी क्या होना चाहिए? ऑफ मोड में होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्या? स्वैप आपका ऑफ होना चाहिए। अब स्वैप ऑफ करने की जरूरत क्यों पड़ी, इंटरव्यू में भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं, बताता हूं। अब क्या होता है कि Kubernetes स्वैप मेमोरी को सपोर्ट नहीं करता। क्यों सपोर्ट नहीं करता? क्योंकि क्या होता है कि Kubernetes का जब प्रोसेस चलेगा, क्लस्टर का जो प्रोसेस चलेगा, तो Kubernetes कहता है कि मेरा प्रोसेस, बोले तो रन टाइम का डेटा, मैं स्वैप मेमोरी में स्टोर नहीं करना चाहता, मैं रन टाइम मेमोरी में स्टोर करना चाहता हूं, बोले तो फिजिकली मेमोरी, या जो आपने इसको रैम दिया एक्चुअल में। तो इसीलिए Kubernetes अभी तक ये फैसिलिटी नहीं दिया कि मेरा रन टाइम का डेटा स्वैप में स्टोर हो। तो इसीलिए स्वैप आपको ऑफ करना पड़ेगा अगर आपको अपना Kubernetes क्लस्टर बेटर तरीके से चलाना है तो। बट कई बार लोग जुगाड़ बनाकर स्वैप को एक्टिवेट करके भी चलाते हैं, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। स्वैप ऑफ करिए, क्योंकि Kubernetes खुद कहता है कि मैं स्वैप के साथ सपोर्टेड नहीं। तो ये चीज आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, स्वैप क्यों बंद करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं Kubernetes अभी तक अलाउ नहीं करता अपना रन टाइम डेटा स्वैप में स्टोर करने के लिए, इसलिए स्वैप को ऑफ करना है। तो एक तो ये चीज आ गई, राइट। और अगली चीज क्या है जो आपको ध्यान रखना है, अब जैसे ये वाला जो VM है, इसको हम लोग एज अ मास्टर नोड बनाएंगे, इसको एज अ वर्कर बनाएंगे। तो मास्टर नोड कब बनता है? जब कुछ कॉम्पोनेंट्स यहां पे चल रहे होते हैं ना, जैसे कंट्रोलर, शेड्यूलर, API सर्वर, ये कॉम्पोनेंट जब इस पे चलेंगे तब ये मास्टर नोड बनेगा। अब जब ये कॉम्पोनेंट्स इसके अंदर चलेंगे तो ये एक पोर्ट यूज करता है, पोर्ट की रेंज यूज कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपके इस VM पे CentOS इंस्टॉल है, और CentOS के ऊपर आपको पता है कि OS लेवल का जो फायरवॉल है, फायरवॉल D, वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। तो अगर वो फायरवॉल D इनेबल है तो उन सारे कंपोनेंट्स के पोर्ट भी आपको फायरवॉल में ऐड करने होंगे, ये बात ध्यान रखना। इसी तरीके से कुछ कंपोनेंट जो होते हैं वर्कर पे चलते हैं, तो वहां पर भी बाय डिफॉल्ट CentOS है, तो CentOS के ऊपर बाय डिफॉल्ट फायरवॉल D इनेबल होता है, तो वहां पर भी आपको पोर्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। अब वो पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं वो हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे। या तो फिर आप फायरवॉल को बंद ही कर दें, एक तो ये तरीका है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में, कंपनी में है, तो फायरवॉल बंद नहीं किया जाएगा, पोर्ट को ऐड करना होगा, ठीक है। चलो ये चीज ध्यान रखना है। ऐसे अगली चीज क्या ध्यान रखना है, अगली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि हर नोड में, चाहे वो वर्कर हो चाहे मास्टर हो, हर नोड में आपको डॉकर इंस्टॉल करना है, ठीक है। और डॉकर की सर्विस आपको स्टार्ट भी करनी है और इनेबल भी करनी है। अब डॉकर इंस्टॉल क्यों करना है ये भी बता देता हूं। आप सबको पता है कि Kubernetes कंटेनर्स क्रिएट करने के लिए डॉकर का इस्तेमाल करता है। इसी के साथ साथ आपको Kubeadm भी इंस्टॉल करना है, और Kubelet भी इंस्टॉल करना है, और Kubelet को स्टार्ट और इनेबल भी करना है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से आपको Kubectl भी इंस्टॉल करना है।
तो डॉकर तो समझ में आ गया हमने क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि कुबरनेटिस कंटेनर को क्रिएट करने के लिए डॉकर का इस्तेमाल करता है। क्यूबेडियम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि क्यूबेडियम टूल के थ्रू क्लस्टर सेटअप होगा। क्यूबलेट क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि क्यूबलेट पूरे के पूरे क्लस्टर के कॉम्पोनेंट्स को मैनेज करता है। और क्यूब सीटीएल क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि जब क्लस्टर बन जाएगा तो जो ऑपरेशन के वर्क हैं, जो कमांड्स हैं, वो क्यूब सीटीएल से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए क्यूब सीटीएल की जरूरत पड़ रही है हमें। तो ये चीज भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताइए डॉकर का इस्तेमाल क्या पे क्यों हो रहा है, क्यूबेडियम क्यों हो रहा है, क्यूबलेट क्यों हो रहा है, क्यूब सीटीएल क्यों हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं अब आप अंडरस्टैंड करा सकते हैं। तो उसके बाद ये हमारा बन जाएगा क्लस्टर, और ये क्लस्टर बनेगा कैसे, अभी बना नहीं है। इतना इंस्टॉल होने के बाद आप मास्टर नोड में जाएं और मास्टर नोड में एक कमांड चला दें, क्यूब एडियम इनिट। तो जैसे आप क्यूब एडियम इनिट करेंगे तो यहां इस नोड वीएम के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स रेडी हो जाएंगे, आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे और ये बन जाएगा मास्टर नोड। उसके बाद आपको एक टोकन देगा और बोलेगा ये टोकन ले जाके आप वर्कर नोड पे चला दें, तो ये वर्कर नोड इस क्लस्टर के साथ ऐड होता जाएगा। ऐसे ही फर्दर जितने नोड आए सारे नोड में वो टोकन ऐड करते जाइए बस। तो अब फर्दर कोई वर्कर नोड आप ऐड भी करते हैं क्लस्टर में तो ध्यान रखिएगा स्वैप ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है, ये सारी चीजें भी इंस्टॉल कर दीजिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्लस्टर सेटअप करेंगे। तो एक और चीज बता देता हूं, आप अपने इस वीएम पर और इस वीएम को आपस में कम्युनिकेट भी होना चाहिए, मतलब एक आईपी भी आपको देना है, ठीक है। तो देखिए मेरा ये वीएम है, ये देखिए वीएमवेयर के ऊपर मैंने दो वीएम बनाई है और मैंने आईपी भी ऑलरेडी कॉन्फिगर करके रखी है, इस पर दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर आईपी ऑलरेडी कॉन्फिगर है, देख सकते हैं। तो मैं इसको एज अ मास्टर नोड बनाऊंगा, तो ये मास्टर नोड की आईपी है, ऑलरेडी दे रखा है मैंने। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लिनक्स के ऊपर आईपी डालना आता होगा, क्योंकि लिनक्स आपने पढ़ा होगा तभी आपको कुबरनेटिस समझ में आएगा, और कुबरनेटिस वही बंदे करते हैं जो लिनक्स ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो लिनक्स में ही आप सीख गए होते हैं आईपी कैसे डालते हैं, है ना। तो मैं ऑलरेडी आईपी डाल के रखा हूं, मैं आईपी डालने का स्टेप आपको नहीं बताऊंगा। तो ये मेरे मास्टर नोड की आईपी है और ये वर्कर नोड की आईपी भी देख लेते हैं भाई क्या है। तो ये मेरा वर्कर नोड है, तो वर्कर नोड की आईपी देख लेता हूं, ये वर्कर नोड की आईपी है, ठीक है। तो यहां पर वर्कर नोड की आईपी लिख देता हूं, ये लो। उसी के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि ये नोड आपस में कम्युनिकेट भी करें और विथ होस्ट नेम के साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो ये रेडी है, और एक काम करता हूं ये मास्टर और ये वर्कर को मैं पुट्टी के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूं, वहां से सारे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, काफी फास्ट होता है थोड़ा। अगर आप डायरेक्टली वीएम पे लॉगिन करके काम करेंगे थोड़ा सा स्पीड में दिक्कत आती है, तो मैं पुट्टी ले लेता हूं दोनों का। तो सबसे पहले मास्टर नोड को कनेक्ट करता हूं मैं, मास्टर नोड की आईपी ये रही, अपेयरेंस में गया चेंज, फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, कलर पे व्हाइट कर लेता हूं इसको थोड़ा, डन। और एक चीज और दिखा देता हूं, इसको मैंने मास्टर नोड को जो मैंने रैम दिया है, देखिए 4 GB रैम दिया, 2 प्रोसेसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज आप भी। ऐसे ही वर्कर नोड को कनेक्ट कर लेता हूं मैं, राइट क्लिक न्यू सेशन, वर्कर नोड की आईपी यहां पे दे देता हूं 192.168.1.7, अपेयरेंस पे गया चेंज और कलर ब्लैक ही रखता हूँ, ठीक हो गया, ये लो। चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वर्कर नोड की आईपी मैंने देखा, तो ये वर्कर नोड की आईपी है, मास्टर नोड पे आया, मास्टर नोड की आईपी देखा, तो ये है, ठीक है। तो अब मैं वर्कर नोड से बैठ के मास्टर नोड को एक बार पिंग करके देखता हूँ, 192.168.1.5 बराबर पिंग कर रहा है। मास्टर नोड से वर्कर नोड को पिंग करके देखता हूँ, 192.168.1.7 बराबर पिंग कर रहा है।
दोनों को होस्ट नेम के साथ पिंग करके देखता हूँ। तो पहले मैं मास्टर नोड का होस्ट नेम देखता हूँ, मास्टर है, वर्कर नोड का होस्ट नेम देखता हूँ, ये ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि होस्ट नेम अजीब सा आता है ना, मैंने तो पहले से सेट कर रखा है, अजीब सा आता है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। होस्ट नेम कैसे सेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। होस्ट नेम सीटीएल, हालांकि होस्ट नेम सेट करना आप लोगों को आता होगा अगर आपने लिनक्स पहले से पढ़ा है। तो सेट होस्ट नेम मैं यहां पे सेट करने बता रहा हूं आपको, देखिए ये सेट कर दिया मैंने, बैश किया परफेक्ट, और होस्ट नेम किया तो ये देखिए होस्ट नेम आ गया। वर्कर पे भी सेट कर देता हूं अभी मैं, होस्ट नेम सीटीएल सेट होस्ट नेम वर्कर हाइफन नोड, ये लें, बैश किया मैंने। चलो अब मैं वर्कर नोड से बैठकर मास्टर नोड को पिंग करता हूं, बट होस्ट नेम से कैसे पिंग नोड, तो पिंग नहीं कर रहा ठीक है, और मास्टर नोड से बैठ के अगर वर्कर को पिंग करूंगा तो पिंग नहीं करेगा होस्ट नेम से अभी है। तो होस्ट नेम से अगर पिंग नहीं कर रहा तो क्या करना होगा, उसके लिए या तो डीएनएस पे जाके सेटअप कर लें, या फिर मास्टर और वर्कर दोनों नोड की ईटीसी होस्ट फाइल पे जाएं, सबसे बेस्ट तरीका ये। अगर आप घर पे सेटअप बना रहे हैं तो 190 कंपनी में तो डीएनएस होगा, तो आप अपनी डीएनएस स्ट्रीम को दे दें, वो कर देगी एंट्री 168.1.5 मास्टर आईफोन नोड, ऐसे वर्कर को ऐड करा लेता हूँ 192.168.1.7 वर्कर नोड, ठीक है बस। तो अब मैं बैठ के मास्टर नोड से एक बार खुद के होस्ट नेम से पिंग करता हूँ, ओ नोड पिंग कर रहा है, एक बार यहाँ से बैठ के वर्कर को पिंग करता हूँ, वर्कर नोड बराबर कर रहा है ठीक है, लेकिन ये नहीं कर रहा होगा अभी क्योंकि ये अपने होस्ट नेम में ईटीसी होस्ट में एंट्री नहीं किया, तो ये भी अपनी ईटीसी होस्ट में जाएगा ठीक है। और यहाँ पर 192.168. पहले अपनी आईपी ऐड किया उसने, कोई भी ऐड कर सकते हो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्कर आईफन नोड और 192.168.1.5 मास्टर आईफन नोड ठीक है। तो अब ये भी होस्ट से कम्युनिकेट करने लगेगा, मास्टर आईफन नोड परफेक्ट। चलो अब आगे क्या करना है आपको, अब आगे आप स्वैप चेक करिए, स्वैप ऑन है या बंद है। तो स्वैप क्या है, ऑन है, स्वैप बंद कैसे करेंगे, स्वैप ऑफ, ये लीजिए स्वैप बंद हो गया, लेकिन ये टेम्परेरी बंद है, परमानेंट बंद करने के लिए क्या करना है, एफएसडब्ल्यू की फाइल पे आइए और ये एंट्री हटा दीजिए ठीक है, अब हो गया परमानेंट बंद। ऐसी वर्कर नोड में भी कर लेते हैं, स्वैप ऑफ ये लें ठीक है, और एफ एस टेफ फाइल पे भी आ जाते हैं, ये लो ये स्वैप हटा दिया मैंने, फाइल को सेव करके बाहर आया। चलो अब चलते हैं आगे, तो अब आगे क्या करना है, हमें डॉकर इंस्टॉल करना है, क्यूब सीट लेट क्यूब एडीएम ये सारे इंस्टॉल करना है, लेकिन इन सब को करने के एक डॉक्यूमेंटेशन भी है। या तो मैं ऐसा करूं कि सारी कमांड में चला चला के आपको हिस्ट्री करके बोलूं नोट कर लो, लेकिन कल को कमांड चेंज होगी तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि कुबरनेटिस कहता है कि मेरी ऑफिशियल साइट पे आइए और वहां पर सारे स्टेप पड़े हुए हैं क्लस्टर बनाने के, तो उसे फॉलो करिए। तो चलिए हम लोग इंटरनेट पे चलते हैं फिर। तो ये मैं इंटरनेट पे आया, और यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना, क्यूबरनेटिस क्यूब एडीएम इंस्टॉल ठीक है। तो देखिए साफ साफ बता रहा है कि ओएस कौन सा होना चाहिए, देखिए उबंटू डेबियन सेंटोएस रेड हार्ट ये सारी चीजें बता रहा है, ये रैम देखिए बता रहा है, सीपीयू बता रहा है राइट। इसी के साथ साथ एक चीज और देखिए, आईपी टेबल सी ब्रिज ट्रैफिक कह रहा है आप अपने क्लस्टर में ब्रिज ट्रैफिक को एक्टिवेट करके रखें, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये चुपचाप से आप कॉपी करिए और अपना मास्टर नोड में आप यहां पर पेस्ट कर दें बस। देखिए मैंने मास्टर नोड को व्हाइट रखा है, वर्कर को ब्लैक रखा है जानबूझ के,
अब देखिए जिस फायरवॉल की मैं आपको बात कर रहा था, है ना, कि मास्टर नोड में जो कंपोनेंट्स चलते हैं उनके पोर्ट नंबर क्या होते हैं, तो होते हैं, तो देखिए यहां पे बता रहा है क्यूबरनेटिस एपीआई सर्वर का पोर्ट नंबर, देखिए ये डेटाबेस का पोर्ट नंबर, ये क्यूबलेट का पोर्ट नंबर, ये क्यूब शेड्यूलर का पोर्ट नंबर, ये कंट्रोलर का पोर्ट नंबर, ये। तो ये सारे कंपोनेंट्स कहां इंस्टॉल होते हैं, मास्टर नोड में। तो अगर आपके मास्टर नोड में कोई भी ओएस लेवल का फायरवॉल एक्टिवेट है, जैसे अगर मैं सिस्टम सीटीएल स्टेटस फायरवॉल डी करूं तो एक्टिवेट है, तो मुझे ये सारे पोर्ट ऐड करने होंगे, या तो फिर आप ऐसा करें कि फायरवॉल ही बंद कर दें। तो अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये सारे पोर्ट ऐड करने पड़ेंगे, आपको फायरवॉल बंद नहीं करने दिया जाएगा कंपनी में। लेकिन यहां पर मैं फायरवॉल को कर देता हूं बंद, है ना, इतने सारे पोर्ट मुझे ऐड ना करना पड़े, तो मैं अभी फायरवॉल को कर देता हूं बंद, ये लो। लेकिन कंपनी में आप ऐड करिएगा, और अगर आप लिनक्स पढ़ के आ रहे हैं तो आपको पता है फायरवॉल कैसे, फायरवॉल में पोर्ट कैसे ऐड करते हैं, ये ले। इसी के साथ साथ यहां पर इंटरव्यू का एक और क्वेश्चन आ जाता है, कि कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताइए क्यूब शेड्यूलर कौन सा पोर्ट नंबर पे काम कर रहा है, देखिए कंट्रोलर मैनेजर कौन से पोर्ट पे काम कर रहा है। तो ये पोर्ट नंबर दोस्तों आप याद कर लें, राइट। ऐसे वर्कर नोट में आपसे कह रहा है कि क्यूबलेट एपीआई, वर्कर नोट में ये क्यूबलेट एपीआई चलेगा तो ये पोर्ट नंबर, और नोट पोर्ट सर्विस चलेगी तो इस पोर्ट नंबर पे चलेगी। तो वर्कर नोट पे भी आप फायरवॉल यूज कर रहे हैं तो ये ऐड करा दीजिए, परफेक्ट। अभी मैं वर्कर नोट में फायरवॉल को कर देता हूं बंद, ठीक हो गया, ये ले। क्लियर। चलो ऐसे ये ब्रिज जो है, ये ब्रिज एक्टिवेट मैं वर्कर नोट पे भी कर देता हूं, ये ले, यहां पर भी हो गया, ठीक हो गया। चलो अब क्या करना है, आगे स्टेप देखिए। अगला स्टेप बोलता है इंस्टॉल द रन टाइम, कह रहा है टू रन कंटेनर इन अ पॉड Kubernetes यूजिंग कंटेनर रन टाइम। तो Kubernetes रन टाइम एक कंटेनर को यूज करता है, तो कंटेनर को इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा आपको ये। तो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में आइए, तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट क्यूबेडियम यूज डॉकर, क्यूबेडियम टूल बाय डिफॉल्ट डॉकर को यूज कर रहा होता है, तो कह रहा है डॉकर इंस्टॉल करिए पहले आप। तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए आप यहां क्लिक करिए, ये आपको डॉकर की साइट पे लेके चला गया, और वहां से डॉकर का पैकेज लाइए, इंस्टॉल करिए। तो देखिए यहां पर इंस्टॉलेशन गाइड, इंस्टॉलेशन सेक्शन में जाइए, सेंटोएस, मैं सेंटोएस यूज कर रहा हूं, आपको दिखा दूं, ओएस भी दिखा देता हूं मैं आपको, मेरा उबंटू नहीं है, सेंटोएस है, ओएस रिलीज देख सकते हैं सेंटोएस 7, वर्कर नोट भी मेरे पास सेंटोएस 7 है, देख ले, परफेक्ट। तो सेंटोएस में मैंने क्लिक किया, उसके बाद कुछ नहीं करना, आप ये यूआरएल यहां से कॉपी कर लें और यहां कर दें पेस्ट। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये यहां से कॉपी करें, ये देखो इंस्टॉलेशन का है, और स्पेस माइनस वाई कर दें, ठीक है। अब ये डॉकर आपको वर्कर पे भी चाहिए, तो एक बार मैं इसको और कॉपी करता हूं, और इस बार मैं वर्कर पे जाके रन करता हूं, और इंस्टॉलेशन वाला भी कॉपी कर लेते हैं, ये लो। तो मास्टर और वर्कर दोनों में क्या हो रहा है, डॉकर इंस्टॉल हो रहा है। डॉकर इंस्टॉल होने के बाद इसके, इसे हमें स्टार्ट भी करना होगा, तो वेट कर लेते हैं, दो मिनट लेगा ये।
तो देखिए डॉकर हो गया इंस्टॉल, तो अब डॉकर को स्टार्ट कर लीजिए, राइट। तो पहले मैं इनेबल कर लेता हूँ यहाँ पर डॉकर की सर्विस, ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ, और डॉकर इन्फो कर लेते हैं। डॉकर का 19 वर्जन है, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाता हूँ मैं, सिस्टम सीटीएल इनेबल डॉकर, आई थिंक डॉकर इसमें इंस्टॉल नहीं हुआ क्या, शायद। कोई नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। बस हो गया, तो अब चलाता हूँ भाई, अब हो गया। और इनेबल तो हो गया, स्टार्ट करना है, ठीक हो गया। चलो अब आगे क्या करना है, तो आ जाइए डॉक्यूमेंटेशन में, क्या बोल रहा है, क्यूब एडीएम क्यूबलेट एंड क्यूब सीटीएल इंस्टॉल करें। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए इसने देखिए कह रहा है कि एक रेपोजिटरी बनाइए आप पहले। तो अगर Ubuntu Debian यूज़ करते हैं तो ये रेपोजिटरी आप यूज़ कर लें, है ना, बनाने के रेपोजिटरी बनाने के लिए ये यूज़ कर लें। अगर CentOS Arch यूज़ करते हैं तो कह रहा है कि ये रेपोजिटरी है, इस रेपोजिटरी में ये लिंक है, इस लिंक में वो तीनों पैकेज है। तो मैं चुपचाप से इसे कॉपी करता हूँ और मास्टर नोट पे गया और यहाँ पर किया पेस्ट, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि SE Linux को परमिसिव मोड में रखिए SE Linux को। तो ऐसे ने इसको परमिसिव मोड में रख देते हैं, इसको हमने यहां से कॉपी किया, ये लीजिए। अब कह रहा है ये कमांड चलाइए, तो ये कमांड क्या बोल रहा है, यम इंस्टॉल क्यूबलेट क्यूब एडीएम क्यूब सीटीएल। लेकिन आगे क्या है, हाइफन डिसेबल एक्सक्लूड इक्वल टू क्यूबनेटिस। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है ये तीन पैकेज इंस्टॉल करेगा लेकिन क्यूबनेटिस के रिगार्डिंग कोई और पैकेज को डिस्टर्ब छेड़छाड़ नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि Kubernetes की और भी चीज़ें अपडेट करने लगे, नहीं, सिर्फ तीनों को ही इंस्टॉल करेगा। तो चुपचाप से आप इसे कॉपी करिए और यहाँ आइए और पेस्ट, ये लीजिए। तो तीनों के तीनों यहाँ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसने एक एरर दिया, नो पैकेज। तो आई थिंक ये रेपोजिटरी काम नहीं कर रही है। तो इस एक और लिंक है मेरे पास, वहां से रेपोजिटरी बनाते हैं। तो लिंक मैंने रखा है, आप लोगों को दिखा दूं, जिनकी रेपोजिटरी कभी कभी काम नहीं करती है, ये लिंक है। तो वीडियो को पॉज करें और इस लिंक को आप कॉपी कर लें और इंटरनेट पे चलते हैं और यहां पर मैंने पेस्ट किया। और ये लिंक ऐसा है कि इसमें क्यूबेडीएम से क्लस्टर बनाने के सारे स्टेप भी हैं, ये पड़े हुए हैं। तो मैं डायरेक्टली ये लिंक भी आपको नहीं दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं आप Kubernetes का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यूज करें, लेकिन यहां पर ये काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं दूसरे लिंक से ले रहा हूं। तो ये मैं कॉपी करता हूं और अब मैंने यहां पर पेस्ट किया और अब मैं ट्राई करता हूं, तो अब ये चल जाएगा, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देख ले। तो अब मैं वर्कर नोड में भी मुझे ये सारी चीजें इंस्टॉल करनी है। तो सेम लिंक को मैं यहां से कॉपी किया और वर्कर नोड पे भी जाकर मैंने पेस्ट किया, तो वर्कर नोड में भी रेपोजिटरी बनी। उसके बाद मैंने वर्कर मोड में भी क्या किया, SE Linux को परमिसिव मोड में किया,
सेट कर देता हूं, ये लें, ठीक हो गया। अब यहां पर भी इंस्टॉल करना तीनों पैकेज, ये लें, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है। डन, देखिए मास्टर पे हो गया। तो अब ये कह रहा है ये कमांड चलाएं, सिस्टम सीटीएल इनेबल नाउ क्यूबलेट। ठीक है, तो ये फेल्ड हो गया, एक्चुअली अभी इनेबल किया नहीं हमने, तो इसको मैनुअली हम लोग चलाते हैं, क्यूब सीटीएल इनेबल क्यूबलेट, राइट, मैनुअल चलाया मैंने, उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया क्यूबलेट, ठीक हो गया। चल सेम चीज वर्कर नोड में भी हम कर लेते हैं, अभी तो ये प्रोसेस में है वर्कर नोड में, बस होने वाला ही है। कॉपी किया मैंने यहां से, वर्कर नोड पे भी किया मैंने, तो यहां पर भी फेल्ड हुआ। मैं मैनुअल करता हूं, इनेबल क्यूबलेट, ठीक हो गया, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट क्यूबलेट, ठीक हो गया। चलो अब आगे क्या करना है, तो अब आगे नीचे आइए, क्या बोल रहा है, यूजिंग क्यूबेडियम टू क्रिएट क्लस्टर। अब क्लस्टर क्रिएट होगा, तो यहां गया मैंने। अब देखिए आपसे साफ साफ कह रहे हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और आपसे कह रहे हैं कि आप कमांड चलाइए कौन सी, क्यूब एडियम इनिट। तो अब अगर मैं मास्टर नोड में क्यूब एडियम इनिट करूंगा, तो यहां पर पूरे के पूरे कंपोनेंट्स इस नोड में बनकर रेडी हो जाएंगे, और ये हो जाएगा मास्टर नोड। तो क्यूब एडियम इनिट इन स्लाइस, तो ये कमांड आप चलाएंगे तो तभी ये काम करेगा जब आपका स्वैप ऑफ मोड में होना चाहिए, रैम कम से कम 2 GB होना चाहिए, सीपीयू कम से कम 2 होना चाहिए, डॉकर इनेबल अवेलेबल होना चाहिए, स्टार्ट और इनेबल मोड में होना चाहिए, तब जाकर ये कमांड प्रॉपर वर्क करेगी। तो अब मैं क्यूब एडियम जैसे इनिट करूंगा तो इसमें पूरा का पूरा क्लस्टर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये ले बस। तो 5 से 6 मिनट में पूरा का पूरा रेडी होके मुझे दे देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 से 6 मिनट, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं, और इसको कंप्लीट होने के बाद जो भी आउटपुट आएगा सेम आउटपुट के साथ कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं आउटपुट स्किप करूंगा, आउटपुट वही रखूंगा और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को करता हूं पॉज, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया, और देखिए ये आउटपुट आया, थोड़ा सा आपको समझाता हूं हुआ क्या बैकएंड में। तो देखिए जैसे मैं इसको इनिशियलाइज किया था, तो इसने सबसे पहले क्या किया, देखिए पुलिंग इमेज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप ए कुबेरनेटिस क्लस्टर। तो ये मास्टर नोड में क्या करेगा, वो सारे कंपोनेंट्स को ना पॉड में चलाता है, तो ये उन सबकी इमेज पुल करता है। सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, दिस माइट टेक अ मिनट और टू डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन। तो ये इमेज पुल करके कहां से लाएगा, ये डॉकर हब से लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है इंटरनेट पर डिपेंड करेगा कितना टाइम लगता है। तो अब आगे क्या बोल रहा है, यू कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्शन फॉर यूजिंग क्यूबेडियम कॉन्फिग इमेज पुलिंग। साफ साफ इमेज पुल कर रहा है, और देखिए यहां पर ये देखिए एनवायरमेंट रेडी किया, फिर देखिए ये रेडी किया, थोड़ा और नीचे आ जाए तो देखिए ये एपीआई सर्वर प्रॉक्सी सारी चीजें, देखिए यहाँ पर कंट्रोलर शेड्यूलर, आप एक एक करके सारी चीजें पढ़ें। थोड़ा नीचे आए तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है, योर कुबेरनेटिस कंट्रोल पैनल हैज इनिशियलाइज्ड सक्सेसफुल,
टू स्टार्ट यूजिंग योर क्लस्टर यू नीड टू बी रन द फॉलोइंग एज अ रेगुलर यूजर। अगर आप अपना क्लस्टर अब स्टार्ट यूज करना चाहते हैं तो ये कमांड चलाएं। तो मैं ये कमांड कॉपी किया एंटर, उसके बाद ये कमांड मैंने यहां से कॉपी किया और एंटर, उसके बाद मैंने ये कमांड यहां से कॉपी किया और मैंने एंटर, ठीक है अब मेरा क्लस्टर यूज कर सकता हूं। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, यू शुड नॉट डिप्लॉय अ पॉड नेटवर्क टू द क्लस्टर। कह रहा आपके क्लस्टर में जब कोई पॉड बनेगा तो पॉड को आईपी क्या देनी है भाई, तो कह रहा है पॉड नेटवर्क सेट करें। तो पॉड नेटवर्क सेट करने के लिए देखिए इसने लिंक दिया है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और बताया इसने, देन यू कैन ज्वाइन एनी नंबर ऑफ वर्कर नोड्स बाय रनिंग द फॉलोइंग ईच एज अ रूट। तो कह रहा है ये देखिए इसने कमांड दिया है विद टोकन, कह रहा है ये जाकर आप वर्कर नोड पे किसी भी नोड पे जाकर चला दें, वो भी रूट यूजर से चलाना है, नॉर्मल यूजर से काम नहीं करेगा ये कमांड। अगर आप किसी नोड पे जाके चलाएं जिसको आप वर्कर बनाना चाहते हैं क्लस्टर के अंदर, तो रूट से लॉगिन करके ये चलाएं तो वो नोड इस मास्टर के साथ ऐड हो जाएगा एज अ वर्कर। तो सबसे पहले तो मैं पॉड नेटवर्क सेट करता हूं। तो पॉड नेटवर्क सेट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन में आइए, यहां आइए, देखिए ये सारी चीजें जो मैंने अभी कर ली है, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है पॉड नेटवर्क। तो नंबर ऑफ टाइप के पॉड नेटवर्क हैं, ठीक है, ये सारे टाइप के पॉड नेटवर्क हैं। लेकिन ये पॉड नेटवर्क अभी मैं ज्यादा ब्रीफ में डिस्कस नहीं करूंगा, जब मैं नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। अभी मैं पॉड नेटवर्क में कैलिको यूज कर रहा हूं, राइट। तो ये कमांड आप कॉपी करके पेस्ट कर दें तो अपने आप पॉड नेटवर्क सेटअप हो जाएगा। तो चलिए कॉपी किया और मैंने और मास्टर नोड में एंटर, तो पॉड नेटवर्क भी सेट हो जाएगा। अभी पॉड नेटवर्क जो है ये भी पॉड के ऊपर बनेगा, हो गया ये सेट हमारा। उसके बाद अब आप यहां पर एक कमांड चलाएं क्यूब सीटीएल गेट नोड्स, तो देखो आपको बताएगा कुछ आउटपुट, क्या बोल रहा है मास्टर नोड, देख सकते हैं अभी नॉट रेडी है, थोड़े देर के बाद ही रेडी हो जाएगा। और अगर यहां पे आप माइनस ओ वाइड करके चलाएं तो देखो मास्टर नोड की आईपी भी बता रहा, देख सकते हैं ओएस भी बता रहा, वर्जन भी बता रहा, एज बता रहा 3:44 से ये ऑन है। अब मैं इस नोड को एज अ वर्कर ऐड करना चाहता हूं, है ना, तो इस नोड को एज अ वर्कर ऐड करना चाहता हूं, तो ये टोकन आप यहां से कॉपी कर लें, ये देखिए टोकन दिया इसने, ये टोकन आप पूरा ऐसे यहां तक कॉपी करें और कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट ना करें। सबसे पहले आप कहां पे आए, नोटपैड में आए और सबसे पहले आप नोटपैड में पेस्ट करें, ठीक है। तो थोड़ा इसको सिस्टमैटिक कर लें आप लोग, ठीक हो गया। अब आप इसे ऐसे कॉपी करें और इस वर्कर नोट पे, वर्कर तो अभी है नहीं, अभी अदर वाले नोट पे जाके चलाऊंगा तो ये मास्टर नोट के साथ ऐड हो जाएगा एज अ वर्कर। तो अब मैंने इसको पेस्ट किया एंड एंटर, तो ये नोट क्लस्टर पे ऐड हो जाएगा एज अ वर्कर और मास्टर तो ये बन ही चुका है। तो ये देखिए सेटअप कर रहा है, 1-2 मिनट में ये भी रेडी हो जाएगा आपका। डन, क्या बोल रहा है, दिस नोड हैज ज्वाइन द क्लस्टर, ये नोड क्लस्टर पे ज्वाइन हो गया। और उसके बाद अब मैं यहां पर चलाता हूं क्यूब सीटीएल गेट नोड्स, तो देखें यहां पर क्या बोल रहा, मास्टर नोड वर्कर नोड, मास्टर रेडी हो गया, वर्कर अभी नॉट रेडी है, थोड़ी देर में यह भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं माइनस ओ वाइड करके चलाऊं तो देख सकते हैं मास्टर नोड की आईपी और वर्कर नोड की आईपी, परफेक्ट क्लियर। अब मैं इसको यूज कर सकता हूं, अब मैं यहां पर अगर क्यूब सीटीएल माइनस एन क्यूब हाइफन सिस्टम किया गेट पॉड्स करता हूं तो देखिए यहां पर वो सारे कंपोनेंट्स पॉड के ऊपर चल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। मैंने आपको बताया था कि मास्टर नोड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे पॉड पे चल रहे हैं, देख सकते हैं शेड्यूलर भी पॉड पे चल रहा है, प्रॉक्सी भी, और नेटवर्क जो बना है वो भी देखिए पॉड पे अभी रनिंग हो रहा है, थोड़ी देर में अभी रनिंग हो जाएगा पूरा कंप्लीट, देख सकते हैं आप लोग, देखिए रनिंग मोड में आ गया, ये भी इनिशियलाइज हो रहा है, ये भी अभी ओके हो जाएगा। तो ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपके मास्टर नोड को मेंटेन करके रखता है और सारे कंपोनेंट्स पॉड में चल रहे हैं। इंटरव्यू में भी ये चीजें पूछी जाती हैं दोस्तों
कि कुबरनेटिस में जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या डायरेक्टली ओएस पे चलते हैं, नहीं पॉड के ऊपर चल रहे हैं। बस ये बचा, ये भी अभी 1-1 हो जाएगा तो ओके हो गया। पॉड इनिशियलाइजिंग, बस थोड़ा सा और बचा है, पॉड इनिशियलाइजिंग कर रहा है, बस रेडी होने वाला है। जब तक दोस्तों ये सारे 1-1 ना हो जाए तब समझ जाना आपके क्लस्टर अभी रेडी नहीं है। तो मैं इसको वॉच में डाल देता हूँ, बार बार एंटर करना पड़ रहा है मुझे। ये ले, जैसे ही होगा अपने आप ही आउटपुट दे देगा। कुछ एरर होगा तो वो भी मुझे बता देगा, तो पता लग जाएगा भाई ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ एरर आ गया। डन, रनिंग में आगे देखिए अभी 1 आ जाएगा यहां पे जस्ट। वन, अब देखिए सारा पूरा क्लस्टर रेडी हो गया, राइट, परफेक्ट। अब मैं क्यू सी टी एल गेट नोट्स करता हूं, देखे वर्कर भी रेडी स्टेज में आ गया। अब मेरा क्लस्टर रेडी हो गया, अब मैं इसमें अपने पॉड वगैरह डिप्लॉय कर सकता हूं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी हालांकि मैं पॉड बनाने की कमांड नहीं पढ़ा रहा हूं, बाद में पढ़ेंगे, एक दो वीडियो के बाद आएगा पॉड, लेकिन मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूं। देखिए अभी क्लस्टर रेडी हो चुका है पॉड शेड्यूलिंग के लिए। तो कैसे बनाते हैं पॉड, आप देखिए क्यू सी टी एल रन, पॉड नेम मैंने दे दिया ये हाइफन हाइफन इमेज और हाइफन हाइफन रेप्लिकास, तो मैंने इसके 4 रेप्लिका मांग ली, ये लो। और इमेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ इक्वल टू एंजिनिक्स, ठीक है, ये लो। उसके बाद मैं क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर पॉड बन रहा है। देखिए कंटेनर स्क्रेटिंग, और हालांकि एक ही पॉड बना रहा है, एक पॉड इसलिए बना रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो कमांड है इसने रेप्लिका कंट्रोलर नहीं लिया, डिप्लॉयमेंट नहीं लिया, इसलिए वो रेप्लिका को सपोर्ट नहीं किया, तो एक सिंगल ही पॉड बना रहा है। कोई नहीं, जब हम पॉड के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अभी सिर्फ आप देखिए कि पॉड शेड्यूल हो रहा है इस क्लस्टर के अंदर, अगर क्लस्टर रेडी नहीं होगा तो शेड्यूल नहीं होगा, देख सकते हैं रेडी हो गया, परफेक्ट। तो अब आपका क्लस्टर रेडी है, आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके ऊपर काम क्या क्या किया जाता है ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। पॉड क्या होता है, डिप्लॉयमेंट क्या होता है, रेप्लिका कंट्रोलर क्या होता है, रेप्लिका सेट क्या होता है, नेम स्पेस क्या होता है, इनिट कंटेनर क्या होता है, ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। और आगे की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और भी इस पे देखेंगे कि क्लस्टर को रीसेट कैसे किया जाता है, ठीक है, क्लस्टर डिलीट कैसे किया जाता है। ये वीडियो अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि 44 मिनट का हो चुका है ये। और आप लोगों को रिक्वेस्ट है मेरे से, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को फॉलो करें, एक एक लाइन पढ़ें दोस्तों, एक एक लाइन क्या बोल रहा है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक लाइन समझाऊं, आप एक एक लाइन पढ़ें। देखिए यहां पर सारा कुछ पढ़ें, एक नॉलेज मिलेगी, इंटरव्यू और ज्यादा अच्छे से मजबूत होगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन, राइट। थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो देखिए यहाँ पे कह रहा है टोकन वगैरह भी क्रिएट कर सकते, थोड़ा और नीचे आ जाएं, देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ क्या आ रहा है, रिमूविंग द नोड। देखिए रिमूविंग नोड रिमूव करने के बारे में बताया, रीसेट क्लस्टर, देखिए रीसेट हो जाएगा सारी चीजें, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट। तो इसे फॉलो करें दोस्तों, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इससे बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर स्टॉप, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को कुबरनेटिस का क्लस्टर, मल्टीनोड क्लस्टर क्यूब एडीएम टूल के थ्रू लगाना आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, क्लस्टर को रीसेट कैसे करते हैं इसके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।